बुधन, आज तो जल्दी आ गए, एक दो बोतल तो हो ही गया होगा, है? कमला, ए कमला, कहाँ हो? मम्मी, ए बंद कर रोज रोज का ड्रामा। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें मेरी कोई चिंता है क्या? जाओ जाकर दो चार बोतल और पी लेना, थप्पड़ भी कम पड़े तो मेरा खून पी लेना। मैं जीऊं या मरूं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आइए हम सब स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बने और देश को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करें। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े देश के हर एक नागरिक को हमारी सरकार शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देती है। इसके साथ ही हमारे साथ साथ हमारे समाज को भी इसका लाभ मिलता है। शौचालय के प्रयोग से आप कई तरह की जानलेवा बीमारियों से, जैसे हैजा, डायरिया, पेचिस, पीलिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही खुले में शौच नहीं करने से वातावरण भी स्वच्छ रहता है। तो देर किस बात की, आइए आज ही से हम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बने और देश को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दें। मालिक, अभी शाम का समय है, अभी जाइए, जब मन करता है जाता है आता है। मालिक, मेरी पत्नी को 2 दिनों से उल्टी और दस्त हो रहा है, दवा दीजिए। ₹22 दीजिए। 22 को। बुधन, अरे रुक रुक, आज बहुत पैसा गिन रहा है, चल दो दो बोतल और मार लेते हैं। नहीं रे, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे इतना पैसा तो है, चल पी लेते हैं यार। नहीं नहीं, इस पैसे से मैं शौचालय बनवाऊंगा। शौचालय? इतना पैसा से शौचालय बनेगा? इतना से बनेगा शौचालय? अरे तुमने आज दिन में सुना नहीं? सरकार देश के हर नागरिक को 12,000 रुपए दे रही है शौचालय बनाने के लिए। मैं इस पैसे को उस 12,000 में मिलाकर शौचालय बनाने में खर्च करूंगा, फिर मेरी पत्नी कमला को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अशिक्षा के अंधकार में भटक रहा बुधन स्वच्छता का अलख जगाया है। बुधन सीख है समाज के लिए, हमारे देश के लिए। बुधन के इस जज्बे को सलाम।